हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिलाई टिप्स में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे, ये मेरा सूट है, इस सूट की कटिंग। इसके लिए आज ये जो कुर्ता है इसको रख कर ये कुर्ता कटिंग करेंगे कि किस तरह से कुर्ता रख के कुर्ते की कटिंग करते हैं। तो मैं आपको, ये देखो, हम कटिंग करेंगे। इसके लिए दोनों पार्टों की अलग अलग कटिंग करेंगे। पहले ये आगे वाला पार्ट अलग करेंगे, फिर पीछे वाले पार्ट की अलग कटिंग करेंगे। तो मैं आगे वाले पार्ट की अलग कटिंग कर रही हूँ। आगे वाले पार्ट की कटिंग के लिए कपड़े को दो तरफ से फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इसके लिए जो यहाँ पे जो ये है ना बॉर्डर पे, इस पे गले पे कढ़ाई, इसको ध्यान में रख के करना है। ये वाला सेंटर बीच में करना है ताकि है वो कहीं पे भी इधर उधर गला है वो इधर उधर न जाए, कढ़ाई इधर उधर न जाए। इसलिए मैंने दो तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लिया। अब इस जो जिस कुर्ते की मैं कटिंग कर रही हूँ उसकी लंबाई है वो 43 इंच है। 43 इंच है तो 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि आगे वाली आधी इंच आगे वाली गले की वो कटिंग करेंगे और आधे इंच मार्जिन में चला जाए, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ पे नीचे बॉर्डर है तो मैं यहाँ पे उल्टाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं दे रही। तो जो इसकी मैंने लंबाई आपको बता दी है कि ये 43 है, इसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। इस तरह से ये वाला कुर्ता है वो इस तरह से हम रख लेंगे। दोनों पार्ट को एक साथ लेकर के और इस तरह से देखो, हम इस तरह से रखेंगे कुर्ते को। देखो इस तरह से रख लिया है मैंने। और यहाँ पे देखो इस तरह से इसके लंबाई के अनुसार यहाँ पे एक निशान बना लिया है। देखिए ये कुर्ते का है, यहाँ पे एक निशान, बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो इसके हिसाब से 2.5 इंची यहाँ पे रख लेते हैं और फिर यहाँ पे मिलान करके, और ये वाला है ना, ये वाला इस तरह से इसकी हम आस्तीन की लंबाई इस तरह से ले लेंगे। और फिर यहाँ पे भी देखो दोनों कपड़े को इस तरह से मिलान करके और यहाँ पे ये वाला निशान लगा लेते हैं। और फिर यहाँ पे भी देखिए इस तरह से इसको दोनों को लेकर के और यहाँ पे एक फिटिंग का जो फिटिंग है उसका निशान बना लेते हैं। जो ये निशान है उसके हिसाब से ये निशान बना लेते हैं। और ये देखो यहाँ हिप की ये लंबाई है वो यहाँ पे ये है, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो मार्जिन के लिए ये इतना कपड़ा है, लेकिन मार्जिन के लिए हमें क्या करना है कि जो उल्टन है उसके लिए इतना कपड़ा है, 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस तरह से। फिर इस तरह से देखो ये वाला निशान है, इस तरह से ये लगा लेते हैं। अब देखो इस तरह से ये फिटिंग हो गई है, ये देखो फिटिंग हो गई है, ये जो ये ऐसे ही फिटिंग है हमारी, और ये वाली फिटिंग है ये देखो इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो कपड़ा है और ये उल्टाई के लिए कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। पहले देखो यहाँ पे मार्जिन के लिए कपड़ा ले लिया इस तरह से। देखो इस तरह से कटिंग कर दिए।
मैंने इसका सीधा कुर्ते का वीडियो डाल रखा है, लेकिन इसका मैंने कुर्ता रखे कुर्ते की कटिंग का वीडियो नहीं डाला था अलग, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसका बना लेती हूँ। अब हम पीछे वाली पार्टी कटिंग, पीछे वाली पार्टी कटिंग के लिए यही है वो उसके कुर्ता ऊपर पार्टा ऊपर रखी कटिंग करेंगे। अब मैंने पीछे वाली पार्टी के लिए दो तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब आगे वाला कुर्ता रख के पीछे वाले कुर्ते की कटिंग करेंगे। इस तरह से आगे वाला पार्ट है वो रख लेंगे इसके ऊपर। देखो इसमें एक कमी है, कमी ये है कि ये कपड़े कपड़ा है वो कम है, और जिसकी लंबाई है वो मैंने 43 ली है, तो यहाँ पे उल्टन के लिए कपड़ा नहीं बचा। तो देखो यहाँ इतना रहा, लेकिन यहाँ पे 2 इंच है वो कपड़ा उल्टन के लिए एक्स्ट्रा लेना था यहाँ पे इतना, लेकिन नहीं है। तो उल्टन के लिए कपड़ा है वो दूसरा कपड़ा उल्टन के लिए उटाई के लिए दूसरा कपड़ा लूँगी बाद में, तो इसलिए जितना कपड़ा है उतना इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हिप का यहाँ पे निशान लगा देंगे। देखो इस तरह से पीछे वाला पार्ट को ऊपर करके इस तरह से अब देखो दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है। अब आगे वाले पार्ट की गले की कटिंग कर लेते हैं। इस साइड के यही निशान है वो इधर नीचे भी डाल लेते हैं, ताकि जब हम सिलाई करें ये निशान डाला होगा तो आसान हो जाएगा। तो फिर इसको इसको भी देखो इस तरह से देखो, पहले हम इसकी देखो यहाँ पे ये उल्टाई कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इतनी कटिंग कर लेते हैं इतनी। देखो इस तरह से आगे वाले पार्ट की इतनी कटिंग करेंगे। एक इतनी कटिंग कर लेती कर ली है। अब यहाँ पे आधे इंच से यहाँ पे कटिंग करेंगे इतना। अगर हम इतनी कटिंग कर लेंगे ना तो आगे वाला पार्ट है वो पीछे नहीं जाएगा। तो इतनी कटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम गले की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच का पहले निशान मैंने इसके हिसाब से देखो इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस पर ये इसको अलग हटा देते हैं। हटा लिया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर ली है। अब पीछे वाले गले की कटिंग के लिए गला है वो 7 इंच का बनाना है। पीछे वाले गला है वो मैं कुर्ता ऊपर न रख के इसे ये बता रही हूँ। मैं जो कुर्ते की कटिंग कर रही हूँ वो 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। देखो इस तरह से देखो दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। देखो ये कुर्ता कट के तैयार हो गया है। आज हमने सीखा है कि कुर्ते पे कुर्ते रख के कटिंग करनी है। अगर आपको आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओ
ओके थैंक्स फॉर वॉच टाइम।